पृथ्वी के मध्य में स्थिर एक ऐसा प्रदेश कि जहाँ दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है और जहाँ बर्फ के भयानक तूफान आते ही रहते हैं, कभी थमते ही नहीं है, जहाँ सिर्फ बर्फ है और कुछ भी नहीं, ऐसी जगह है एटलांटिका। एक ऐसी जगह जहाँ हर इंसान जाना चाहेगा। एटलांटिका अगर समुद्र में डूब जाता है तो पूरी दुनिया समुद्र में डूब सकती है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर ये सच है। उत्तर ध्रुव में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ बड़ी तेजी से पिघल रहा है और दूसरी तरफ एटलांटिका के पास के देश अपना दावा कर रहे हैं कि ये प्रदेश उनका है। इसी कारण आज से 30 साल पहले एक कायदा बनाया गया जिसका नाम एटलांटिक ट्रीटी था, जिसके अनुसार कोई भी देश एटलांटिका को अपना नहीं बता सकता और उस पर लश्करी संगठन नहीं स्थापित कर सकता। और उस कायदे की आयु 50 साल रखी गई है और दुनिया के 7 देश तो यही राह देख रहे हैं कि कब ये 50 साल पूरे हो जाए। और ये 7 देश कोई नियमों का पालन नहीं करते। 7 देशों ने तो एटलांटिका का बंटवारा भी तय कर दिया है। देखिए यह तस्वीर। सबसे पहले देखें तो अर्जेंटीना कहता है कि दक्षिणी ध्रुव पर उसका अधिकार है। अर्जेंटीना फॉकलैंड को अपना बताता है जो एटलांटिका में आता है। अर्जेंटीना ने 1952 में ब्रिटिश से आए वैज्ञानिकों पर गोलीबारी की थी। अमेरिका भी कहता है कि एटलांटिका पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है, मगर अमेरिका कहता है कि एटलांटिका हमारा है। दक्षिणी ध्रुव के यह प्रदेश है जो इसके पास आते हैं। सबसे पहला अर्जेंटीना, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यह सभी देशों ने बर्थडे केक की तरह यह देश बांट दिया है। यह सच्चाई है और भारत जैसे कई देश सिर्फ हाथ घिसते रह गए। भारत ने 1983 में दक्षिणी ध्रुव पर गंगोत्री और 1988 में मैत्री नाम के 2 मठक स्थापित किए, वो भी नॉर्वे की परमिशन लेकर, बोलो जरा। और भारत ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च सेंटर बनाना चाहता है, मगर पर्यावरण को ध्यान में रख के यह मंजूरी भारत को नहीं मिल रही। भारत के 1000 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक वहाँ रिसर्च करते हैं। वहाँ रिसर्च के लिए 400 टन सामग्री हर साल भेजी जाती है और यह रिसर्च पे 20 से 25 करोड़ रुपयों का खर्च एक व्यक्ति दित होता है और सभी व्यक्तियों के कॉस्ट्यूम का खर्चा $5,000 तक लिखा गया है। इतना ज़्यादा खर्चा भारत सालाना करता है। एटलांटिका एक ऐसा द्वीप है जो आकाश में से दिखाई देता है। क्या आप ये एटलांटिका की विशेषता आपने कभी सुनी है? कभी सुनी भी नहीं होगी। जानिए यह विशेषता। एटलांटिका 1.4 करोड़ चौरस किलोमीटर में फैला हुआ है। एटलांटिका सर्दियों में 2.4 करोड़ चौरस मीटर में फैल जाता है। अपनी जो चौड़ाई है यानी कि जो क्षेत्रफल है उससे भी ज़्यादा। एटलांटिका के हर बर्फ की घनता 4,800 मीटर है। एटलांटिका में पर्वत मटिफ है जिसकी ऊंचाई 5,140 है। दुनिया के सबसे बड़ा अंडरग्राउंड सरोवर एटलांटिका में है जो 14,000 चौरस किलोमीटर में फैला हुआ है। एटलांटिका अगर समुद्र में डूब जाए तो समुद्र की ऊंचाई 61 मीटर होगी। सोचिए कितनी बड़ी, तकरीबन सोचिए तो 5 से 6 मार की बिल्डिंग से भी ज़्यादा। एटलांटिका हर साल 1 किलोमीटर खिसकता रहता है। एटलांटिका का भगवान का बनाया हुआ एक बहुत ही बड़ा अजूबा है। यह एक रहस्य की बात है। यह भी सुनिए कि 7 देश एटलांटिका को क्यों पाना चाहते हैं। एटलांटिका के भूगर्भ में पेट्रोल, लोहा, तांबा जैसे कई देश कीमती धातुएं भी छुपी हुई है, इसलिए वो हड़पना चाहते हैं सभी देश। कोई भी व्यक्ति बिना कारण यूं ही मेहनत नहीं करता। एटलांटिका पृथ्वी का स्वर्ग है, मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ मानव का बसना असंभव है। यहाँ का टेम्परेचर
89 सेल्सियस होता है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जय हिंद, जय भारत।